now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम प्लूमेरिया पुडिका, मीन्स इसको हिंदी में नाग चंपा भी कहा जाता है, इस प्लांट की केयर हम किस तरह से करेंगे और इसका हम प्रोपिगेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट नागचंपा का है और इसको नागचंपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी लीव्स होती हैं उनका शेप सांप की तरह होता है, इस वजह से इसको नागचंपा कहा जाता है। तो इसकी केयर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सॉइल के बारे में बात करेंगे। हमें किसी भी प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल ही चाहिए, तो उसी तरह से इस प्लांट के लिए भी हम वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएंगे। इसमें हम 40% गार्डन सॉइल रखेंगे, 40% सैंड रखेंगे और 20% उसमें कंपोस्ट रखेंगे, तो वो सॉइल हमारे प्लांट के लिए अच्छी रहती है। इस तरह की सॉइल को प्रिपेयर करके और उसमें हम अपने प्लूमेरिया पुडिका प्लांट को लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सनलाइट की। तो ये ऐसा प्लांट है जो कि फुल सनलाइट पसंद करता है। आप इसको पूरे साल ऐसी जगह रखिए जहां पर सनलाइट आती हो तो भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये प्लांट पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इस पर हर समय बहुत ही अच्छे इसी तरह से गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हमारा जो प्लांट है ये हमेशा थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल ही पसंद करता है, इसके लिए आप इसको रोज पानी दीजिए। फिलहाल गर्मियों के दिनों में तो आप इसे रेगुलर वाटरिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठंडी के दिनों में थोड़ा सा चेक कर लीजिए या फिर 2 दिन छोड़ छोड़ के इसको पानी देंगे तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्लांट पर इंसेक्ट्स इफेक्ट की। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स का इफेक्ट जल्दी नहीं होता है, बहुत किसी रेयर केस में इस पर कोई इंसेक्ट्स का इफेक्ट हो जाए, बट इस प्लांट पर कोई भी इंसेक्ट्स का इफेक्ट नहीं होता है। और ये जो प्लांट है इस पर स्पाइडर्स का अटैक होता रहता है, तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला के अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए, तो उससे आपका प्लांट सेव रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अपने घर से बाहर भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को कोई जानवर भी नहीं खाता है और ये प्लांट आपका घर से बाहर भी अगर आपने लगा दिया तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट, इस प्लांट को लगाते टाइम आपको बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपके घर में बच्चे या फिर पेट्स हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो इस प्लांट की अगर लीफ टूट गई या फिर अगर आपने इसका प्रोपिगेशन किया है तो उस टाइम इसमें से थोड़ा सा वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, तो उससे अपने पेट्स और बच्चों को थोड़ा सा सतर्क रखिए कि उसको टच ना करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस प्लांट के प्रोपिगेशन की। इस प्लांट का हम प्रोपिगेशन किस तरह से करेंगे, तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। ये आप कटिंग इसकी, अगर आपने इसकी 7 या फिर 9 इंच की कटिंग को लगा दिया तो ये बहुत ही ईजिली ही ग्रो हो जाता है। मेरा इसके प्रोपिगेशन पे भी एक वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन से उसको देख सकते हैं। इसके प्रोपिगेशन के 2 तरीके हैं। एक तो इसकी कटिंग को आपने कट किया और तुरंत ही आप उसको पॉट में लगा देंगे तो भी इसकी कटिंग लग जाती है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी कटिंग को काट के और 2 दिन तक रेडी एरिया में रख दीजिए 2 दिन के लिए, उसके बाद आप इसकी कटिंग को लगाएंगे तो उसके 100% चांसेस है कि वो ग्रो करेगी ही करेगी। तो इस तरह से आप चंपा प्लांट का प्रोपिगेशन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करे तो इसके लिए हमें इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी करनी चाहिए,
ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया था, उसके बाद ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर आप इसकी फरवरी या मार्च में अगर आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो हमारा ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्लूमेरिया पुच्का प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।